तो हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है पोकेमोन यूनाइट के थंबनेल बना सकते हैं गेम प्ले की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जाना है प्लस के ऑप्शन पर, जाकर फ्रॉम गैलरी सिलेक्ट करके आपको जो अपना पोकेमोन यूनाइट का मेन पेज है जहाँ पर आप और अपना पोकेमोन शो करते हैं वहाँ पर जाना है, उसे सिलेक्ट करना है और आपको अच्छे से क्रॉप कर लेना है। मैं क्रॉप कर लेता हूँ और आप अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा और, ताकि वो ऑप्शन दिखाई दे। हाँ नहीं नहीं ये वाला है। और अब हाँ अब ठीक है, हाँ हो जा हो जा। और अब आपको फिर से लॉक करने के बाद अब आपको शेप में जाकर एक हाफ सर्कल वाला शेप ले लेना है, थोड़ा सा इसे बड़ा करना है आपको। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, करेक्ट जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा रोटेट कर देना है। हाँ अच्छे से रोटेट कर देना है। और अब मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसे, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। और ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करने के बाद अब इसे अच्छे से सेट कर देना है। हाँ ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे स्ट्रोक दे देना है, 11 to 12 का स्ट्रोक देना है आपको, इसे ज़्यादा नहीं देना। अब आपको जो आपको कलर देना है वो कलर आप दे दीजिए, मैं देता हूँ रेड क्योंकि सिंड्रेला फायर टाइप पोकेमोन है। अब देने के बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है अच्छी तरीके से। कॉपी करने के बाद आपको इसके थोड़े नीचे से देखने में ज़्यादा कूल लगे इससे पहले आपको इसे दे देना। उसके बाद आपको कलर देना है, मैं ग्रेडियंट कलर देता हूँ, एक अच्छा सा ब्लू कलर सा, हाँ ये वाला दे देता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगर आपको स्ट्रोक देना है जैसे, अब आपको शैडो देना है, दोनों के ऊपर एक एक शैडो देना है आपको। और एम्बोस देना है, अगर आपको अच्छा लगता तो दे दीजिएगा, अगर नहीं देना तो मत दीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी, आपका चॉइस है। मैं दे देता हूँ ओके। हाँ अब अच्छा लग रहा है। आपको क्या करना है, आपको एक PNG डाउनलोड करना है सिंड्रेस का, पोकेमोन यूनाइट वाला, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब आपको ये PNG जो है सिंड्रेस का यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करने के बाद, हाँ एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से, ओके हाँ हो गया, इसे लॉक कर देता हूँ सबको। और अब आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट लिखना है जिसमें आपको अपना जो एपिसोड वाला नंबर लिखना है, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ 01, लेकिन वैसे तो मैं बाद में बनाऊँगा सिंड्रेस वाला, ठीक है। अब इसे 02 लिख देता हूँ। और उसे अच्छे से सेट करने के बाद इसे एक फ़ॉन्ट दे देता हूँ, तो मैं देता हूँ इसे एमरेंथ बोल्ड वाला फ़ॉन्ट, तो उसे बड़ा कर देता हूँ अच्छा लगे सब देख पाए। अब देना है आपको इसे स्ट्रोक जैसा, देता हूँ एक स्ट्रोक और ये हो गया स्ट्रोक, ये दे दिया मैंने अच्छा स्ट्रोक 17 स्ट्रोक। और अब आपको जाना है इसे शेडो देना है अच्छे से, इसे एम्बोस देना है अगर आपको देना है तो। अब आपको क्या करना है, इसे कलर दे देना है, ग्रेडियंट वाला मैं दे देता हूँ अच्छा सा कलर, मुझे देखने में ऑसम लगे। अब आप क्या करना है, आपको जाना है फिर से, और आपको पोकेमोन यूनाइट लोगो एक PNG डाउनलोड करना है। आप क्रोम में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए पोकेमोन यूनाइट लोगो PNG, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के बाद आपको इसे अच्छे से एडजस्ट करके सेट कर देना। ओके तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है हो गया एडजस्ट अच्छे से। अब आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट लिखना है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकती है आपकी मर्ज़ी, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंड्रेस को अच्छा दिखाना है, तो इसलिए मैंने तो ऑसम, उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद एक इमोजी दे देता हूँ स्टार वाला, ओके हाँ इसे बिल्कुल उसके ऊपर रखना है। उसके बाद एक फ़ोन देता हूँ मैं आर्मलेसल वाला जो है देख के, मैं इसे एक शेडो दे देता हूँ। उसके बाद मैं एम्बोस भी दे देता हूँ, तो देने के बाद मैं एक स्ट्रोक दे देता हूँ अच्छा सा, वाओ बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है देखने में। और अब यहाँ पर ये जो है ख़त्म होता है। तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आया है, तो लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।